स्वागत है आपका एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट में। जी हाँ, यहाँ पर नेशनल कैंप का जो आयोजन हुआ है व्हीलचेयर क्रिकेटर्स के लिए, और ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं इस व्हीलचेयर क्रिकेट में। तो हमारे साथ में आज इन एसोसिएशन के माध्यम से जो आज मैच होना जाए, दैट इज द फर्स्ट ट्रायल मैच, और हमारे बीच में टीम ए और टीम बी और टीम ए के कैप्टन हैं। हम दोनों ही टीमों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको भी थैंक्स कहना चाहेंगे, श्री प्रदीप राज को और जो हमारे अंपायर है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे क्रिकेटर्स के लिए और दोनों कैप्टन के लिए। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि टॉस के लिए हमारे सर यहां पर आते हुए, दोनों टीम के कैप्टन हैं और कौन करेगा? टेल्स, इट कॉल एंड इट्स टेल्स, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले में? बोलिंग, T20 का मैच है, आप पहले बॉलिंग करना चाहेंगे? किस तरह की टीम बैलेंस बनी आपकी? जी बिल्कुल बैलेंस है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस मैचेस भी यहाँ खेले हैं, और यहाँ चेस करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, और आपके सामने एक टारगेट होता है जिसको आपको बनाना होता है, लेकिन पहले बैटिंग में कुछ टारगेट आपके पास होता नहीं है, और बैटिंग ट्रैक है, बहुत ही अच्छा पिच है, तो हम चेस करना चाहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू। टॉस जरूर हारे हैं लेकिन मैच तो अभी बचा हुआ है, तो एनर्जी अभी भी है, क्या कहना चाहेंगे टॉस हारने के बाद भी आपको यहाँ से बैटिंग करने का मौका मिला है? नहीं, बिल्कुल पूरे जोश के साथ खेलेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। फील्डर अपने हिसाब से लगाए, उनको फील्डिंग प्लेसमेंट ऊपर करना है, कहाँ बॉलिंग करना है, उसके हिसाब से हमको 6 में से 5 बॉलें तो हमें वहाँ करनी है। एक आधी बॉल हम एक्सपेरिमेंट के लिए खेल सकते हैं, लेकिन 5 बॉलें हमें फील्डिंग के हिसाब से खेलनी है। अच्छे से करो, ठीक है? 3, 2, 1 इंडिया। ये इंडिया के कैप्टन है सोमजीत सिंह। सुमजीत भाई, आप हमारी ऑडियंस से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछ सपोर्ट उनका जो हमारी ऑडियंस आपको चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप जो हमारा नेशनल कैंप में इंडिया ए और इंडिया बी का मैचेस हो रहा है सिटी हॉक्स के ग्राउंड में, ग्रेटर नोएडा में, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमारी टीम की तरफ से, हमको मोटिवेट करें, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के नाम पर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच भाई। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बढ़िया फील्डिंग, गजब की फील्डिंग से ये गेंद, और इस बार लास्ट एक अंदाज में गेंद को निकाला, उस पर खिलाड़ी मौजूद नहीं, हालांकि गेंद के पीछे अभी भी पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पास। सामने है
रोहित। अगली गेंद फ्लाइट गेट बॉल, बढ़िया डिफेंस सम्मान दिया और उसी बीच अगली गेंद इस बार तो बहुत ही पावरफुल स्टेप खेला गया था स्टॉल के दिशा में वन बाउंस इनटू द फेल फॉर फोर रन। व्हाट अ लवली टाइमिंग, दैट्स अ प्योर टाइमिंग ऑन द बॉल। राइट आर्म बॉलर है, फ्लाई गेट बॉल हवा में, कोशिश अच्छी, थोड़ा सा बाहर रही गई गेंद और इसी के साथ बॉल हो गए, पहला विकेट गिरता हुआ टीम के लिए और बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हुए यहां पर विक्रम को आउट कर दिया है जिस टीम बी को पहला ये झटका लगा है, टीम बी को ये पहला झटका लगा है और इस बार पहली बॉल बेहतरीन शॉट, क्या ये गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी, कोशिश की थी लेकिन छूटी गेंद और बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, रन आउट होने का मौका लेकिन पहुंच गए, दिखा अंपायर का फैसला आता है या नहीं किया और आउट। साहिल आज से ये गेंद करने के लिए गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो खिलाड़ी को बीच में गैप निकाला, कोई मौका नहीं सो, कोई खिलाड़ी नहीं और गेंद बॉडी लाइन की तरफ और चल और इस बार फ्लाई के बॉल, क्या ये अंपायर का नो बॉल का इशारा है, गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया डीप बैक पर, इसको एक चार रन के लिए अगली गेंद को लेकर, लेकिन इस बार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाले, क्या गेंद का पीछा कर पाएंगे, जी नहीं गेंद ओवर 76 रन 2 विकेट और इस बार बहुत ही छोटी बॉल कर दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला खिलाड़ी से लेकिन कोशिश नाकाम रही, गेंद बॉलिंग के लिए गेंद और नो मैच प्ले एरिया में गेंद गिरी खिला है उसे मिड विकेट पर, क्या गेंद रुकी, जी हाँ अच्छी फील्डिंग और इसी बीच अगली गेंद और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया माइक रूडोल्फ प्लेटाम इंजर हुशार टीम बैक और इस्तानी के बहुत चौंन, आज तो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं रोहित, ऐसे ही खेलते रहे तो सैकड़ा भीड़ लगा सकते हैं। नो ओवर और कुछ गेंदों का खेल है, चौरानवे ओवर का, अगली गेंद बॉडी लाइन के पहले गिरी है, यहां कप्पे के साथ चार रन की अंपायर का फैसला, रेड एक रन दूर है टीम के 100 रनों से, क्या वो 100 रन आ जाएंगे इसी ओवर में, भी है टारगेट को टीम बेटर स्टॉल की दिशा में खेला, उसे कोई खिलाड़ी नहीं और इसी के साथ चार रन 100 रन पूरे, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसे कैच का खेला है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ब्यूटीफुल शॉट, कोई मौका नहीं, इट्स अ लवली टाइमिंग और एक धमाकेदार शॉट, लेकिन मिसलीड हुई, 69 रन बना के अभी भी नॉट आउट है रोहित, और इस बार कवर की दिशा में खेला, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रन, एक और खूबसूरत चौका, 145 रन बन चुके हैं, 79 रनों पे खेल रहे हैं रोहित और इसी बीच अगली गेंद हवा में जरूर थी, तीसरा झटका लगा अपने बॉल पर।